कोरोना का जोर, मुल्क भर में 2818 अफराद में वायरस की तस्दीक, अब तक 41 अमवात। पंजाब में 1131, सिंध में 839, खैबर पख्तूनख्वा 383 और बलोचिस्तान में 185 शहरी मुतासर, 131 मरीज सेहतियाब। मुश्किल वक्त के अंदर हमेशा होता है ऐसे है कि कई लोग इमर्ज कर जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं और कई लोग ख़त्म हो जाते हैं। जो इस मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ा हो गया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अवाम आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए कि आप हमेशा के लिए अपने हलके को सिक्योर कर लें। कोरोना के खिलाफ जंग तवील, मजीद मुश्किल वक्त आने वाला है। मुतासरा तबके का ख्याल रखना चैलेंज, माल बनाने वाले सोशल वर्क नहीं सिर्फ तनकीद कर सकते हैं। अवाम की खिदमत करें, हल्का महफूज बना लें। वज़ीर आज़म। कोरोना से निमटने के लिए इकदामात, सिंध में लॉकडाउन का 14वां रोज, अहम शहरों पर फौज, रेंजर्स और पुलिस अहलकार तैनात। बिला जरूरत घर से बाहर निकलने वालों की पकड़ धकड़, सैकड़ों मुकदमा दर्ज। कोरोना वायरस का फैलाव रोकना पहली तरजीह, नहीं जानते वबा पर काबू पाने में कितना वक्त लगेगा। देखेंगे कौन सी इंडस्ट्री खुल सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सनतकारों को यकीन दहानी। कोरोना पर काबू पाने का चैलेंज, पंजाब में भी लॉकडाउन। लाहौर में सड़कों पर फौजी जवानों और पुलिस अहलकारों के नाके। शाम 5 बजे तक खाने पीने की अशिया की खरीदारी, दूध ही की दुकानें रात 8 बजे तक ओपन। वजीर आला पंजाब से चीनी डॉक्टर्स और माहिरीन की मुलाकात। कोरोना से निमटने के लिए दो तरफा तआवुन और मुश्तरका काविशों को फरोग देने पर इत्तफाक। मुहलिक वायरस से बचाव के लिए दोस्त मुल्क के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। उस्मान बुज़दार। कोरोना के बाद पूरी दुनिया शिकार, मरने वालों की तादाद 64,729 हो गई। फ्रांस में मजीद 1,053, स्पेन 749, इटली 681 और बरतानिया में एक ही रोज 708 रिकॉर्ड हलाकतें। ईरान में मजीद 158 अमवात। कराची में रमजान से पहले ही पेशावर भिखारियों की अलकार, मौका परस्त टोलियों से जान छुड़ाना इम्तिहान। शहर की हर गली, मोहल्ला और सड़क माफिया के चुंगल में, असल मुस्तहिक अफराद तक इमदाद पहुंचाना मुश्किल हो गया। शहरी बेजार। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। मुल्क भर में इस वक्त 2818 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस 41 अफराद की जान ले चुका है, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में मायूस नहीं होना क्योंकि उम्मीद की किरण मौजूद है। अच्छी खबर यह है कि 131 अफराद सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। पंजाब की सूरत हाल से आपको आगाह करें तो इस वक्त सुबह पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर है। सबसे ज्यादा तादाद यहीं बताई जा रही है, ये तादाद 1131 तक पहुंच चुकी है, जबकि सिंध में 839 अफराद इस वायरस से मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 383 मरीज सामने आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 193, बलूचिस्तान में 185, जबकि इस्लामाबाद में 75 अफराद इस वायरस का शिकार हो गए हैं। तो मुल्क भर में यह तादाद 2818 तक पहुंच चुकी है जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस अब तक 41 अफराद की जान भी ले चुका है, लेकिन इस सूरत हाल में अच्छी खबर यह भी सामने आ रही है कि कुछ मरीज जो है वो तेजी से सेहतयाब भी हो रहे हैं। अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 131 हो गई है। पंजाब की बात की जाए तो सबसे ज्यादा तादाद पंजाब में सामने आई है, 1131 मरीज जो हैं वो मुतासर हुए हैं। सिंध में 839 मरीज सामने आए हैं।
कोरोना वायरस के वार तो जारी हैं, लेकिन बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों में तमाम सरगर्मियां मुअत्तल हैं। सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से इस्मा शौकत, कराची से शाहमीर खान, पेशावर से आमिर जमील और लाहौर से जाहिद आबिद हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। शाहमीर खान हमारे साथ मौजूद है। शाहमीर बताएगा, आज जहां 14वां रोज है लॉकडाउन का, हुकूमती इकदाम क्या है और वजीर आजम की जानिब से कुछ इंडस्ट्रीज को खोलने की इजाजत दी गई, सूबाई हुकूमत क्या फैसला रही है? जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज भी इजलास बुलाया गया था, जो कारोबारी यहाँ पे तबका है उससे मुलाकात की गई थी और उनके तमाम तरह जो तहफ़ुज़ात थे वो भी सुने गए थे। और सूबह सिंध के जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, उनका ये कहना था कि वो अपनी टीम से मशवरा करेंगे, मशवरे के बाद जो है इंडस्ट्रीज खोलने का जो है वो फैसला भी करेंगे। ताम अगर मजमुई सूरतहाल की बात की जाए कोरोना वायरस की, तो 839 अफराद जो है वो अब तक इस वायरस का शिकार हो चुके हैं सिंध भर से, जबकि ये अच्छी खबरें भी सामने आई हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी 12 अफराद जो है वो इस मरसे सेहतयाब होकर अपने घरों को रवाना हो चुके हैं, और अब तक तकरीबन 86 अफराद ऐसे हैं जो मजमुई तौर पर सेहतयाब इस वायरस से हो चुके हैं। ताम फिर भी रोज़ाना की बुनियादों पर कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं, जो केसेस हैं, वो रिपोर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के हवाले से बात की जाए तो 14वां दिन है, तमाम तर जो तजारती मराकज हैं वो बंद किए हुए हैं, सिर्फ अशिया खुर्दनोश की दुकानें उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। 5 बजे तमाम तर सड़कों पर जो है वो सन्नाटा हो जाता है, पेट्रोल पम्प और तमाम तर दुकानें जो भी मेडिकल स्टोर जो कि अस्पतालों से मुंसलिक नहीं है उनको भी बंद कर दिया जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकाबंदी भी जारी है। आज इतवार का रोज़ है, ट्रैफिक खासा कम है, लेकिन हम देख रहे हैं जो हमारे इदारे हैं जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है, पाक फौज के अहलकार हैं, ट्रैफिक पुलिस के अहलकार हैं, वो मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। अभी भी कोई शहरी सड़कों पर निकल रहा है तो उसके कौमी शनाख्ती कार्ड भी चेक किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वो बिला वजह क्यों बाहर निकला है, और निकला अगर कोई बाहर बगैर वजह के तो उसको वापस रवाना कर दिया जाता है। इन 14 रोज़ के दौरान अब तक 3,300 अफराद को सिंध भर से जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके खिलाफ जो मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक कार्रवाई की गई थी अटर्ली पुलिस की जानिब से, जिसमें यहाँ कराची से दूसरे शहर जाने वाले जो शहरी थे, एक ट्रक में भर के जा रहे थे, उनको जो है वो पकड़ा गया। शहरियों को 3 घंटे बाद जो है वो रिहा कर दिया, लेकिन जो ड्राइवर था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो सूबाई हुकूमत सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो इकदाम सख्त किए गए हैं, बिल्कुल ठीक है, सख्त इकदाम किए गए हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद है। शाहमीर हमारे साथ रहेगा, लाहौर का रुख कर लेते हैं। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, कराची की सूरत हाल हमने जान ली, लाहौर की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के एक और सुबह का वही आगाज जो कि गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं, सड़कों पर जिंदगी कुछ रुकी रुकी सी, कुछ थमी थमी सी, तो इस वक्त भी सरगर्मी तकरीबन ना होने के बराबर है। आज कहने को इतवार है, आमतौर पर इतवार को रश नहीं होता, लेकिन अब तो लॉकडाउन के दौरान हर रोज़ ही इतवार लगता है, इसलिए यही माहौल हमें आज कल लाहौर की सड़कों पर नज़र आ रहा है, जिसमें ट्रैफिक ना होने के बराबर है। कानून नाफज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो डबल सवारी की अगर खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और अगर गाड़ी या वैन में ओवरलोडिंग या जो इजाज़त दी गई है उससे ज़्यादा अगर सवारियां हो तो उस पर लाजमी तौर पर कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। तो लाहौर में गुज़श्ता जो 24 घंटे हैं उसमें 10 नए मरीज़ों का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो पूरे पंजाब में 28 मरीज़ों का इजाफा हुआ है, इसलिए लाहौर की शरह कुछ ज़्यादा निकल रही है बाकी पंजाब के लिहाज से, तो इसलिए लाहौर पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर जो सुपर स्टोर्स हैं उनकी टाइमिंग 9 से 5 ही मुकर्रर है, किराना स्टोर्स जो छोटे छोटे किराना स्टोर हैं वो भी अब 5 बजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो सब्ज़ी और फल की दुकानें वो अलबत्त खुली रहती हैं, मेडिकल स्टोर्स खुले रहते हैं, तो ज़िंदगी का पहिया चल रहा है लेकिन बहुत तेज़ नहीं, कुछ रफ्तार सुस्त है, लेकिन लोग पुरज़्म है कि ये मुश्किल वक्त है, इसको हमने एहतियात से गुजारना है, और ये सड़कों पर हमें हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, इस्मा हमारे साथ मौजूद हैं। इस्मा, इस्लामाबाद इंतजामिया किस तरह से इस तमाम तर मामले को टैकल कर रही है, ये भी बताया जा रहा था कि फैजाबाद के मकाम पर कुछ पहरे बढ़ा दिए गए हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जुजवी लॉकडाउन और रावलपिंडी में मुकम्मल लॉकडाउन को 2 हफ्ते हो चुके हैं। इतवार का दिन है, इस वक्त मैं अपारा मार्केट में मौजूद हूँ और देखने में आ रहा है कि तमाम तजारती मराकज जो हैं वो बंद हैं। इतवार के रोज़ देखने में ये भी आता है कि अपारा मार्केट में क्योंकि दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें, तो रश दिखाई देता था, लेकिन अब शहरी इकतदार जो है शहर सुनसान लग रहा है, कोई भी लोग हमें ना सड़कों पर नज़र आ रहे हैं ना ही बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है क्योंकि इतवार का दिन है तो सुबह के वक्त ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर हम गुज़श्ता कई दिनों की बात करें तो देखने में
आता है कि लोग जो है सड़कों पर ट्रैफिक भी नजर आ रही है, मार्केटों में तो रश नहीं है लेकिन ट्रैफिक नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ ये मैं आपको बताती चलूं, जिस तरह आपने कहा कि फैजाबाद पे चेक पोस्ट जो है लगा दी गई, ना सिर्फ फैजाबाद पे बल्कि इस्लामाबाद के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे चेक पोस्ट जो है वो एक्स्ट्रा चेक पोस्ट तैनात की गई है, वहाँ पे इजाफी नफरे भी पुलिस की दिखाई देती है, जो लोगों को रोका जाता है, पूछा जाता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, उनको घरों को वापस जाने की तनकीद भी की जाती है और साथ ही साथ उनको ये भी कहा जाता है कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क और ग्लव्स का जो है खास तौर पे एहतमाम किया जाए, पहना जाए। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि इंतजामिया जो है काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लोग जो हैं घरों में रहें, ऐलानात भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में अब तक 50 से ज़ायद केसेज हो चुके हैं। बात कर ली जाए अस्पतालों की तो इंतजाम जो है बहुत मुनासिब भी देखे जा रहे हैं, बहुत से यहाँ पे ऐसी बिल्डिंग से जो मुनासिब इकदाम किए हैं, मुनासिब इंतजाम किए हैं इस्लामाबाद के इंतजामिया ने। इसमें साथ ही मौजूद रहेगा पेशावर को रुख कर लेते हैं, आमिर जमीन हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताएगा क्या सूरत हाल है आज, जब से लॉकडाउन का आगाज हुआ तो पेशावर के जो शहरी हैं जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे थे, तो अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हुई पहले से? देखिए, जब से लॉकडाउन का सिलसिला है पेशावर के शहरी, जैसे आपने बताया कि वो मुनासिब उनका रवैया नहीं है, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते नजर आए हैं, आज भी सूरत हाल वैसी की वैसी है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ ऐलानात और मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं लेकिन शहरीों को जो है वो घरों तक महदूद करने में नाकाम है। अक्सर इलाके जहाँ पर शेख उर्दनोश फरोख्त होती हैं वहाँ पर लोगों का रश हजूम में नज़र आते हैं, और न सिर्फ ऐसे इलाके जहाँ पर शेख उर्दनोश होते हैं बल्कि बैंकों और दीगर जो गली मोहल्ले वहाँ पर भी हम देखते हैं कि आवाम बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं बगैर किसी हिफाजती इकदाम के। हालांकि हुकूमत की जानिब से आए रोज जो है इकदाम में सख्ती बरती जा रही है, मुख्तलिफ पेशावर के जो इलाके हैं वहाँ पर नाके बना दिए गए हैं, पुलिस वहाँ पर तैनात है, और अब पहले तो तमाम शहरियों को जो वार्निंग दे के छोड़ दी जाते थे लेकिन अब जो है पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 114 से ज्यादा जो अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया है और उनको काफ़ी देर अपने पास थाने में रखे और वार्निंग देके उसके बाद छोड़ दिया गया। तो हम यही सूरत हाल पेशावर के जो दीगर इलाके हैं हयातबाद, यूनिवर्सिटी रोड, गुलबहार और इसी तरीके से जितने भी अंदरून शहर और बैरून शहर हैं वहाँ पर सूरत हाल वैसी की वैसी ही है, लोग जो हैं वो लॉकडाउन की पासदारी नहीं करे, बार बार हुकूमत की जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं और उनको तंबीह की जा रही है कि इस सूरत हाल में न सिर्फ उनके लिए नुकसानदेह बल्कि उनके फैमिली के लिए भी नुकसानदेह होगा। और जहाँ पर अशय खुर्दनोश फरोख्त होती है वहाँ पर ये एक चीज़ मजीद देखने में आई है कि लोग अपने साथ छोटे बच्चों को साथ लेके निकलते हैं जो कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके साथ खुद भी एहतियात नहीं करें बल्कि बच्चों को भी साथ लेके बाहर फिर रहे हैं। और अच्छी खबर यह भी है कि जो पेशावर के इंतजामिया और पुलिस ने मुकदमात का इंदराज भी शुरू कर दिया है, गिरफ्तारियां भी जारी हैं। बहुत शुक्रिया आमिर जमील पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर से जाहिद आबिद, शाहमीर खान ने कराची से अपडेट किया जबकि इस्मा शौकत ने इस्लामाबाद से हमें अपडेट किया। शुक्रिया आप सबका। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि चीन ने कोरोना पर कम से कम वक्त में काबू पाकर काबिल तकलीद मिसाल कायम की है, वायरस से बचाव और सद्देबाब के लिए हमसाया मुल्क के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चीन के डॉक्टर्स और माहिरीन के वफ्द ने मुलाकात की जिसमें कोरोना से निमटने के लिए दो तरफा तआवुन को फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने सूबे में मरीजों के आदादोशुमार पर ब्रीफिंग दी। चीनी डॉक्टर्स ने पंजाब हुकूमत के हिफाजती इकदाम और इलाज के SOPs को मौसर करा दिया। उन्होंने मशवरा दिया कि वायरस का फैलाव जल्द अज जल्द रोका जाए।